कमेटी इसलिए बनी सबसे पहले तो कि जो अवैध भूषण खाने हैं और जो भूषण खाना जो पूर्व में संचालित था जो राजा राजे थे उससे भी बदबू पूरे शहर से वातावरण परेशान है। काफ़ी सालों से लोग परेशान हैं तो एक समिति का गठन इस परेशानी को देखते हुए किया गया। सांसद साहब से हमने मांग की है कि जो नगर परिषद द्वारा स्थापित भूषण खाना है वो 2008 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बंद है और अब 2023 में स्थायी रूप से बंद हो गया है, इसलिए उस भूषण खाने का स्ट्रक्चर को नगर परिषद से बात करके स्थायी रूप से तोड़ दिया जाए और वहाँ समतल भूमि कर दी जाए। वहाँ काफ़ी बम्बूल हैं, उन बम्बूलों की आड़ में अवैध भूषण खाने संचालित हो रहे हैं, उन बम्बूलों को साफ किया जाए। 2017 में भी वहाँ अवैध भूषण खानों को सीज किया गया था लेकिन 2018 में उस सील को भी उन लोगों ने जो अवैध कार्य कर रहे हैं तोड़ दिया। नगर परिषद द्वारा उसे पुनः सील किया गया, न्यायालय में मुकदमा चला। 2019 में न्यायालय में अवैध कार्य करने वालों ने अंडरटेकिंग दी है कि हम वहाँ केवल आवासीय कार्य करेंगे, कोई अवैध भूषण खाना नहीं चलाएंगे। उसका यदि वहाँ रोड पे भी ये अवशेष पाए जाते हैं तो यह माना जाएगा कि उन व्यक्तियों द्वारा ये अवैध कार्य किया जा रहा है। अभी हाल ही में जो जिला प्रशासन द्वारा कमेटी बनाई गई है वहाँ उसने जांच करके ये पाया गया है कि वहाँ अवैध स्लॉटरिंग हो रही है, तो हमारी ये मांग है कि उन अवैध आवासीय परिसरों को तोड़ा जावे ताकि आगे की कार्रवाई नहीं हो। नगर परिषद द्वारा जो स्थापित भूषण खाना है उसको तोड़ा जावे, बम्बूलों को हटाया जावे, वहाँ स्थायी चौकी स्थापित की जावे ताकि शहर के लोगों को बदबू से राहत मिले। राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट का सेक्शन 271 ये कहता है कि किसी भी आवासीय या आबादी इलाके में या म्युनिसिपल परिसर में किसी तरीके से भी कोई स्लॉटरिंग नहीं हो सकती। वो जो इलाका है वो आबादी इलाका है, म्युनिसिपल परिसर में है, तो वहाँ किसी भी तरीके से लीगल स्लॉटरिंग नहीं हो सकती। पहली चीज। सेकेंड, वहाँ जो स्लॉटर हाउस बना रखा है थोड़ा नगर परिषद ने उसको खोलने की अनुमति ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई नहीं लड़ी और सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उस स्लॉटरिंग हाउस को खोलने से मना कर दिया। अब वो मात्र और मात्र नगर परिषद का ऐसा ढांचा है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में आबादी भूमि में है। ऐसी स्थिति में नगर परिषद वहाँ मास्टर प्लान के अनुसार भी मात्र आबादी ही विकसित कर सकती है और किसी प्रकार की दूसरी एक्टिविटीज को अनुमति नहीं दे सकती। सेकेंड, वहाँ जो आसपास आवासीय परिसर बताए गए हैं वो आवासीय परिसर नहीं है, वो म्युनिसिपल एक्ट के विरुद्ध बनाए गए कंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर अवैध गतिविधियाँ संचालित होती है जिसमें स्लॉटरिंग की जाती है। और अभी जो टीम गई थी जिला कलेक्टर साहब ने जो टीम बनाई थी उस टीम ने भी वहाँ पाया कि उसके अंदर कई सारे अपशिष्ट, कई सारी हड्डियाँ, खून, जानवरों के टुकड़े मिले हैं जिससे ये प्रमाणित होता है कि वहाँ अवैध गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं। इस संबंध में एक मुकदमा चला था म्युनिसिपल, वो मुकदमा चला टोंक में। उस मुकदमे में भी जो लोग आवासीय परिसर में थे उन्होंने ये अंडरटेकिंग दी थी कि किसी प्रकार से भी वहाँ कोई ऐसी गतिविधि नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी ऐसी गतिविधि पाई गई है। ऐसी स्थिति में नगर परिषद उन सब भवनों को तोड़ने की स्थिति में और तोड़ दिया जाना चाहिए। ये मामला ये भी है कि जो इलीगल मांस की शॉप चल रही है वो क्या नियम कानून कायदों से चल रही है, लाइसेंस से चल रही है, उनको लेके किस तरह का वो इसमें शामिल है या नहीं है इस पूरे मामले को लेकर? वो जितने भी शॉप संचालित है सब अवैध है, इसके लिए नियमानुसार लाइसेंस की आवश्यकता है। किसी के पास भी कोई लाइसेंस जारी किया हुआ नहीं है, फूड एंड सेफ्टी एक्ट के तहत भी किसी के पास कोई लाइसेंस नहीं है। पहली चीज। सेकेंड, वहाँ जो दुकानें हैं वहाँ पर वो विजिबल प्लेस पर ऐसी चीज़ों को नहीं रख सकते, जबकि टोंक शहर में ये आम चलन है कि विजिबल प्लेस पर उन चीज़ों को रखा जाता है जो भी अवैध गतिविधि।